क्षत्रपों में घमासान, अशक्त हाईकमान, गांधी परिवार हलाकान। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए अध्यक्ष के चुनाव की रणनीति ने ही कांग्रेस में गांधी परिवार की अहमियत को ही तार तार कर दिया। राजस्थान से शुरू हुआ बवंडर अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ये है कि पार्टी में राहुल गांधी की कार्यशैली से नाखुश नेताओं को मनाने के लिए अध्यक्ष के उम्मीदवार के चुनाव में सोनिया गांधी ने राहुल गांधी की भी बात नहीं मानी। राजस्थान में मुख्यमंत्री का चयन हाईकमान की डेडलाइन के बाद भी अटका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में हाईकमान से माफी मांगने का दिखावा करने के बाद जयपुर पहुंचकर फिर बगावती सुर अलाप रहे हैं। लग ये रहा है कि कांग्रेस में मालिक जैसी हैसियत अब गांधी परिवार की नहीं रही। 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी में गांधी परिवार कमजोर होता गया और अब तो ऐसे हालात हो गए हैं कि उनकी कमजोरी हर मौके पर उजागर हो रही है। छत्रप्पों में घमासान मचा है और हाईकमान अशक्त बेजान दिख रहा है। ये भी अजीब है कि कांग्रेस से जाने वाला और कांग्रेस के भीतर असंतुष्ट रहने वाला कोई भी नेता सोनिया को नहीं बल्कि राहुल गांधी को ही निशाने पर लेता है। पार्टी के G23 नेताओं की नाराजगी भी राहुल गांधी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ही है। अशोक गहलोत से शुरू होकर दिग्विजय सिंह से होते हुए अध्यक्ष उम्मीदवार के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति गांधी परिवार में ही मतभेद को प्रदर्शित कर रही है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से इस यात्रा के समन्वयक दिग्विजय सिंह को अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में चुनकर नामांकन भरने दिल्ली भेजा था। कहा जाता है कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दोनों से सहमति लेने के बाद दिग्विजय सिंह अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी पर आगे बढ़ रहे थे, फिर ऐन मौके पर परिस्थितियां क्यों और कैसे उनके खिलाफ हो गई। सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के नेता भी शामिल थे। इन बड़े नेताओं ने G23 के असंतुष्ट नेताओं को मनाने के नाम पर राहुल गांधी के उम्मीदवार को पीछे धकेलने का काम किया और मजबूर सोनिया गांधी ने पार्टी में राहुल गांधी के विरोध में असंतुष्टों की बढ़ती नाराजगी को देखते हुए अध्यक्ष चुनाव में राहुल गांधी के उम्मीदवार को पीछे करने की शर्त को वरीयता दी। अब कांग्रेस क्षेत्रीय छत्रप्पों के कब्जे में दिख रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कांग्रेस के खेवनहार बने हैं तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस के पालनहार के रूप में अपने आप को स्थापित किए हैं। राजस्थान में तो अशोक गहलोत ने खुद को आलाकमान जैसा ही घोषित कर दिया है। भूपेश बघेल तो राहुल गांधी का समर्थन खुलेआम करते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कमलनाथ और राहुल गांधी के बीच में मनमुटाव की खबरें लंबे समय से आती रही है। राहुल गांधी के खिलाफ वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी को देखते हुए सोनिया गांधी इस प्रयास में लगी है कि किसी तरह से इस संकट का समाधान निकाला जाए। राहुल गांधी की पार्टी में मजबूती के साथ वापसी तभी संभव है जब उनकी चुनाव जिताऊ क्षमता साबित हो, नहीं तो दिग्विजय सिंह जैसे गांधी परिवार के कट्टर समर्थन नेता भी राहुल विरोधी नेताओं का शिकार बनते रहेंगे। इन हालातों को नहीं संभाला तो धीरे धीरे गांधी परिवार से कटने वाले नेताओं की संख्या बढ़ती ही जाएगी। कांग्रेस को जोड़ने का जो भी दम खम है वह गांधी परिवार के पास ही है। अगर गांधी परिवार ये क्षमता भी खो देगा तो पार्टी का भविष्य उज्जवल कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। आप देखते रहिए न्यूज पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।